नमस्कार, अजमेर शहरवासियों को आज एमटीटी टीवी के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि नो पार्किंग जो अब तक हमारे द्वारा जुर्माना वसूला जा रहा था वो जुर्माना अब बढ़ा दिया गया है। तो सभी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी गाड़ी यथावत अगर पार्किंग में खड़ी करें तो बहुत अच्छा रहेगा, उनका शुल्क है वो भी नहीं लगेगा। और अगर वो खड़ी नहीं करते, नो पार्किंग जोन में अगर खड़ा करते हैं तो जो शुल्क पहले हमारा 100 रुपये एमवी एक्ट के तहत नो पार्किंग का था, एडीए की जो क्रेन यूज़ में ली जाती थी उसका 200 रुपये था, टोटल 300 रुपये उनका काटा जा रहा था। लेकिन 1 तारीख से यह शुल्क बढ़ा दिया गया है। हमारा जो शुल्क है एमवी एक्ट का वो भी 100 रुपये, उसमें अमेंडमेंट नया आया नहीं है, आया होगा तो वो भी हो सकता है बढ़ा हुआ मिले। तब तक 100 हमारा और 400 एडीए द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। इस तरह से टोटल जुर्माना है वो 500 रुपये होगा, जिससे आपकी जेब थोड़ी ज़्यादा खाली होने वाली है। इससे अच्छा है कि आप लोग नियम को फॉलो करते हुए अपना जो फोर व्हीलर है उसको पार्किंग जोन में ही खड़ा करें, नो पार्किंग जोन में खड़ा नहीं करें। धन्यवाद। यस यस यस, एलिवेटेड रोड का काम चलने की वजह से भी हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। इसके तहत अभी तक जो बजरंगगढ़ से फवारा चौराहे से लेकर के गांधी आगरा गेट तक जो वन वे था उसको समाप्त कर दिया गया है। वहाँ पर दोनों तरफा यातायात चलेगा सुचारू रूप से, जैसे पहले चलता था, क्योंकि यहाँ जो एलिवेटेड रोड के जो खंभे बन रहे थे वो ज़मीनी जो स्तर पे कंप्लीट हो चुका वर्क ऊपर लेवल का है, जिसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए हमने दोनों तरफा इसको खोल दिया है। कल से जो अपने इंडिया मोटर चौराहे से कचहरी रोड के अंदर जो पिलर्स खोदने का काम है वो चल रहा है, इसको देखते हुए हमने कचहरी रोड को पूर्णतया दोनों तरफ से प्रतिबंधित कर दिया है दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए, दुपहिया वाहन बिल्कुल आते जाते रहेंगे, दुपहिया वाहनों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तिपहिया और चौपहिया वाहन वाले ध्यान रखें, कचहरी रोड से इंडिया मोटर की तरफ ना जाए और इंडिया मोटर से कचहरी रोड की तरफ ना जाए, क्योंकि इनका प्रवेश निषेध रहेगा।